हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूबा, मेरे चैनल में स्वागत है आर्ट ऑफ आड़ी में। तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ एकदम अच्छे हो। मैं तो अच्छा ही हूँ, मेरा तबीयत भी अभी बहुत ठीक हो गया है। और तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग वीडियो को वॉच करते हो पर आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग वीडियो स्किप करके जा सकते हो। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज मैं सरफेस के ऊपर बात करने वाला हूँ। सरफेस तो आप जानते ही होंगे, एटलीस्ट मैं मैथ का सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ कि कैसे सरफेस में आप लोगों को ड्राइंग करना चाहिए। मतलब गाइस देखिए, जो सरफेस होता है ना उसे प्लेन होना चाहिए। तो बहुत लोग ये बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं, जो मैं भी पहले करता था, आप लोग इसका हालत देख के समझ सकते हो। तो ये मैं पहले इस्तेमाल करता था पर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आती थी इसको करने में। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। देखिए, मैंने ऐसा ड्राइंग ले लिया, तो मैं इसको इसमें लगा दे रहा हूँ। तो देखिए, मैं लगा दे रहा हूँ इसे, तो मैंने इसे लगा दिया। तो प्रॉब्लम क्या होता है गाइस, अगर मुझे इस जगह कलर करना रहता है तो मुझे बार बार इसको घुमा के लगाना पड़ेगा, और कभी कभार इसके प्रेशर से इसमें दाग भी पड़ जाता है। और अगर हम लोग वाटर कलर कर रहे हैं तो फिर तो ये बोर्ड ठीक है, बट अगर हम कोई पेंसिल शेडिंग कर रहे हैं या कोई कलर पेंसिल कर रहे हैं तो उसमें ना थोड़ा घिसना पड़ता है। तो क्या होता है ना, अगर पतला पेज रहता है तो फोल्ड हो जाता है, फट जाता है। इसका तो जेसन मोटा है, 300 है, इसलिए ये नहीं फटेगा, तो फट जाता है। तो पूरा मेहनत ख़राब हो जाता है, तो और ड्राइंग करने का भी मन नहीं करता। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है पहले, और अभी तक मैंने जो ड्राइंग फट चुका है मैंने उस ड्राइंग को फिर से रीडू नहीं किया है, क्योंकि मन उड़ जाता है उस ड्राइंग से। तो यही बात है, इसलिए मैंने ये बोर्ड इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने बुक्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। बड़े बड़े बुक्स आते हैं तो मैं उसको इस्तेमाल करता, उसके ऊपर रख के करता था। तो पर उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगे गाइस, कि उसमें अगर थोड़ा सा प्रेशर लगता तो वो थोड़ा डेप्थ हो जाता है बुक को। पता है ना, अगर आप कुछ प्रेशर से लिखते भी है तो वो लिखा भी बुक के ऊपर छाप उड़ जाता है, तो वैसा होने लगा। तो मुझे बुक भी उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बुक भी छोड़ दिया। और उसके बाद आया मेरी जिंदगी। तो गाइस, ये आया मेरी जिंदगी में, तो बहुत अच्छा चीज है गाइस। एक ये बस एक वुडन पीस है, ये थोड़ा सा पतला है ये वाला, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं एक साथ कुछ जोड़ जोड़ के मैं ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सबसे मुझे मतलब उतना सारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, बस बोल सकते हो। और मेरे ज़्यादातर ड्राइंग्स जो भी यूट्यूब वीडियोज़ में है, तो वो सब में मैंने इस वुड के ऊपर ही रख के मैंने सारे को ड्रॉ किया है। तो आप लोग सारे वीडियोज़ को जाके चेक कर सकते हो, या कोई भी वीडियो को जाके चेक कर सकते हो, मैंने इसी के ऊपर रख के किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अगर आप लोग ख़रीदना चाहें तो कोई भी कारपेंटर शॉप से जाके खरीद सकते हैं, या आपका कोई कुछ टूट गया हो, जैसे होता है ना बहुत सारे टेबल्स आते हैं वुड्स के। ये तो मेरा एक टेबल था, कंप्यूटर पूरा टेबल तो खोला था, तो अब लगाया नहीं, तो इसी को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर ऐसे एक टाइप के टेबल्स और आते हैं जो आपको अमेजोन में ज़रूर मिलेगा, वो बहुत सारे यूट्यूबर जो आर्टिस्ट है वो इस्तेमाल करते हैं, और बहुत अच्छे से वो उसमें भी ड्रॉ करते हैं। मैं कोई रिव्यू नहीं दूंगा गाइस, क्योंकि मैंने उसे कभी अपने लाइफ में कभी इस्तेमाल नहीं किया है, तो कोई रिव्यू नहीं दूंगा। पर फ्यूचर में कभी अगर उसे इस्तेमाल करूंगा तो रिव्यू ज़रूर डालूंगा गाइस। तो आप लोग उसे भी खरीद सकते हैं, पर मैं बिगिनर्स को तो ये वुडन पीस ही अफोर्ड करने बोलूँगा, क्योंकि कम पैसे में अच्छा चीज़ भाई। पर अगर आपको ज़्यादा मतलब वैसा है तो आप ज़रूर खरीद सकते हैं, क्यों नहीं खरीद सकते आप। तो गाइस, यही है कि हमें वुडन ही ज़्यादा अफोर्ड करना चाहिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो। पर आप वो भी खरीद सकते हैं, नो मैटर्स, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। पर गाइस, मुझे तो जितना लगता है कि टेबल जो होता है ना वो बेस्ट होता है यार, क्योंकि मेरे घर में, मेरा जो घर है मैं रेंट पर रहता हूँ, और ये बहुत छोटा है और चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए
टेबल हमारे घर पे नहीं है, बस एक डाइनिंग टेबल ही है, तो मैं टेबल नहीं रख पाता हूँ। तो अगर टेबल होता है ना, तो आपके जो शोल्डर होते हैं ये सब में दर्द नहीं होता। मैं बिस्तर पे बैठ के बनाता हूँ, क्योंकि जगह बहुत कम है, तो मैं बिस्तर पे बैठ के बनाता हूँ ऐसे। तो बैठा रहता हूँ तो मेरे पूरा शोल्डर्स बैक में पूरा पेन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे टेबल और चेयर में बनाना ज़्यादा आसान होता है, अच्छा होता है, पर अगर आप उसे नहीं कर सकते तो इसमें भी काम चल जाएगा। मैं तो इसी में अभी तक बनाऊंगा, मतलब बता सकते हैं कि अभी 2-3 साल इसी में बनाना है। अब उसके बाद अगर हम फिर से रूम चेंज करें तो कभी ना कभी तो फ्यूचर में खरीद ही लेंगे, तो तब और एक वीडियो डल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। एक छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय।